सफलता में आपको कौन रोक रहा है, या सफल होने में या बड़ा होने में आपको कौन रोक रहा है? तो इसका जवाब है कि हम खुद अपने सफलता के बीच में आते हैं, हम खुद अपने आप को रोक के रखते हैं। हम निगेटिव थॉट्स सोचते रहते हैं और वो थॉट्स जो है वो सब अतीत से आए हुए हैं। अतीत में जो भी अनुभव हुआ है, एक्सपीरियंसेस जो है, वहाँ से सब निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और अतीत में जो हुआ वो हम रिपीट करते हैं और वहीं से हम अपने आप को रोक के रखते हैं, पीछे खींचते हैं। बहुत बड़ी मेमोरी बैग लेके मैं चलते रहता हूँ और वहाँ से मैं जीते रहता हूँ। मैं नया कुछ देखता ही नहीं हूँ, आंखों से मैं नया देखता नहीं हूँ, कानों से नया सुनता नहीं हूँ, कुछ भी नया करता नहीं हूँ। जो भी ऑलरेडी अंदर है वहीं से सब होता है। ऐसा देखा गया है कि 5 से 8% लोग वो जिंदगी जीते हैं जिसके ऊपर वो खुद प्यार करते हैं। फिर ऐसा क्यों है? बाकी सब लोग सर्वाइवल की जिंदगी क्यों जी रहे? सर्वाइव करना, बस जीवन जीना है, क्योंकि मर नहीं रहे। किसी को आप पूछते हो कि आपका क्या उद्देश्य है, क्या करना है, बोलता कुछ नहीं, बच्चों को बड़ा करना है और अपना मकान होना चाहिए और अपने एक व्हीकल होना चाहिए। फिर बाकी करना क्या है लाइफ में, बोलता कुछ नहीं, यही करना है और क्या करना है। मतलब लोगों के सामने कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। अपना गोल छोटा रखना या कोई पर्पस नहीं रखना या पर्पस छोटा रखना, उसमें दो फैक्टर मेन है। एक है एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस और दूसरा है इंटरनल थिंकिंग प्रोसेस। इंटरनल सर्कमस्टेंसेस, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जो है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो है गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, लाइसेंसेस गवर्नमेंट के, जिससे हम बंधे हुए, फिर उसको टाइम लगेगा या फिर कोविड जैसी सिचुएशन कि जिसमें कम से कम साल से लेके 2 साल तक उसने हमारा पूरा बिगाड़ दिया और वो कंट्रोल के बाहर का था। दूसरा है इंटरनल सर्कमस्टेंसेस या इंटरनल थिंकिंग प्रोसेस जो कंटिन्यूसली ऑनगोइंग ही चालू है। 50,000 से 80,000 थॉट्स रोज हमारे दिमाग में आते हैं और उसमें से मेनली निगेटिव है। ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो क्यों कर रहा है, चालू है। कुछ भी करने जाओ तो सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो अंदर के हमारे थॉट्स है। हमारे विचार जो है ना वो रियलिटी क्रिएट करते हैं। जो भी थॉट हम करते हैं और वो यदि निगेटिव है, अच्छा नहीं है, तो वो थॉट हमारे बॉडी में भी बीमारियां तैयार करता है। क्योंकि थॉट आता है उसके साथ साथ इमोशंस आते हैं, इमोशंस में ज़्यादा प्रभावी जो रहते हैं वो एंग्जाइटी है, नर्वसनेस है, डिप्रेशन है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां होती है। क्योंकि थॉट्स क्या है, थॉट मतलब कंटिन्यूस एक डायलॉग अंदर चल रहा है, स्ट्रीम ऑफ थॉट, एक कंटिन्यूस जैसे नदी बहती है वैसे वो थॉट बह रहे हैं कंटिन्यूसली, ऑनगोइंगली, चैटर है अंदर, चिक 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 चालू है, मोस्टली नेगेटिव है। वहाँ से इमोशंस तैयार होते हैं, वहाँ से हमारा एक्सपीरियंस तैयार होता है और वो हमारी बीमारी का कारण होता है। सुबह उठने के बाद रात को बेड पर जाने तक कंटिन्यूसली हमारे ओपिनियंस है, हमारे मत है लोगों के बारे में, लोगों को हम सलाह देंगे, लोगों के बारे में निर्णय देंगे, लोगों के बारे में एक ओपिनियन, जजमेंट, एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशंस करेंगे और कंटिन्यूसली वो चालू रहेगा। आपको पूछ रहा कौन है, किसने पूछा आपको कुछ ओपिनियन देने का या कुछ जज करने का, मगर चालू रहता है और वो निगेटिविटी दिमाग में तैयार करते रहता है। तो फिर क्या करना है, तो फिर हमको हमारे थॉट्स बदलने पड़ेंगे। जितना बोलेंगे ये थॉट निकलना चाहिए, वो थॉट निकलेगा नहीं, नया थॉट लाना पड़ेगा। नया थॉट लाएंगे तो पुराना निकल जाएगा, क्योंकि नए थॉट आने के बाद में पुराने को जगह नहीं रहेगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स ला सकते हैं और जो जो दिन भर में ऑटोमेटिक प्रक्रिया हो रही है उसमें आप पॉजिटिव थॉट ला सकते हैं, उस समय ला सकते हैं। जैसा कि स्नान करना ऑटोमेटिक होता है, उस समय पॉजिटिव थॉट ला सकते हैं। कुकिंग है, लेडीज के बारे में कुकिंग है, लेडीज करती है, उसमें टाइम जाता है तो वहाँ पॉजिटिव थॉट्स ला सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं, हिप्नोथेरेपी कर सकते हैं। स्नान करना ऑटोमेटिक प्रोसेस है, एक्सरसाइज करना ऑटोमेटिक प्रोसेस है, तो उस समय आप पॉजिटिव थॉट्स ला सकते हैं जो आपकी रियलिटी तैयार करेंगे। थॉट्स आपकी वास्तविकता पूरी बदल सकते हैं, कंप्लीटली बदल सकते हैं। तो थॉट्स को कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, पॉजिटिव लाना है। पॉजिटिव थॉट्स तैयार करने पड़ते हैं, नेगेटिव ऑटोमेटिक आते हैं, तो जानबूझकर पॉजिटिविटी आपको लानी पड़ेगी, तो आप मानसिक तथा शारीरिक बीमारियों से दूर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप
टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टा मोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।